ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ ये कह दिया गया है, जब मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई चल रही है और लगातार बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब जंतर मंतर पर सत्याग्रह की जरूरत क्या है। और अब तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, कोरोना से हुई मौत के लिए 50,000 रुपए मुआवजा देने के केंद्र के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा। पैसे जो है राज्य के आपदा प्रबंधन कोष को दिए जाएंगे और साथ ही 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस SR शाह और AS बोपन्ना के बेंच ने इस मामले में देश सुरक्षित रखा था। उस दिन केंद्र ने हर मौत के लिए 50,000 रुपए मुआवजा तय करने की जानकारी कोर्ट को दी थी। तब कोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर पाया वैसा और कोई देश नहीं कर सका। ये खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीड़ा झेली उनके आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है। 30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है, तो लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी ये फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ये कहा था कि वो 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सुनिश्चित करे। और इसके साथ ही NDMA ने बाद में कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग भी की थी। कोर्ट के फैसले के करीब 12 हफ्ते बाद उसने मुआवजे पर निर्णय लिया और इसे अब कोर्ट ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत दी गई है उन लोगों के लिए जो कोरोना काल में अपनों को खोए हैं, कहीं ना कहीं मरहम लगाने की कोशिश यहां पर की गई है। बिल्कुल दीप्ति, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया हताहत रही कोरोना के इस दौर में। पूरा जो 2 साल का जो दौर गया उसमें तमाम लोग बेरोजगार हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनकी यही लीला समाप्त होगी। ऐसा आंकड़ा तकरीबन 4.5 लाख से अधिक बताया जाता है पूरा जो हिंदुस्तान के अंदर जो कोरोना से मरने वाले जो लोग हैं उनकी जो संख्या बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने बिल्कुल पूरे तरीके से, क्योंकि इसको मुआवजा ना कहकर इसको सहायता राशि अगर कहा जाए, क्योंकि संवेदनाएं होती हैं, एक संवेदना व्यक्त करने की बात होती है। और प्रत्येक, मतलब अगर इस कोरोना काल के दौरान देखें तो एक सिस्टम बना होता सरकार, लेकिन ये सच है कि हिंदुस्तान ने जितना किया अपनी जनता के लिए और दुनिया के लिए, बाकी अपने पेट को काट कर औरों को भी वैक्सीन देने का, लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में भी हम लोग 98 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 150 करोड़ की हमारी आबादी है और उसकी तरफ भी हम लोग बहुत तेजी से अग्रसर है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, और जिस तरह से आज कोर्ट ने ये बड़ी मंजूरी दी है, कहीं ना कहीं उन परिवारों के लिए बहुत बड़ा फायदा है जो परिवार इस कोरोना काल के दौरान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी मदद के रूप में है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आज औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। तो अब जाहिर तौर पर कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि जल्द से जल्द ये सहायता राशि उन परिवारों तक पहुंचाई जाए। और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार आपका। और इस 3 बजे की 3 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।